भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीनगर। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में हाल ही में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को शिल्प और लोक कला क्षेत्र के तहत शामिल किया गया है। इस सूची में 49 शहर शामिल हैं। इस तरह नेटवर्क में 90 देशों के 295 शहर शामिल हो गए हैं। श्रीनगर की सांस्कृतिक विविधता को भी एक नई पहचान मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में साइबर सुरक्षा और हैकिंग रोकने के लिए 12 नवंबर को कोकोन 2021 सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने केरल में साइबर सुरक्षा और हैकिंग रोकने के लिए 12 नवंबर को कोकोन 2021 सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की है। यह कोकोन एक 12 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य गोपनीयता, सूचना सुरक्षा और डाटा सुरक्षा के बारे में करने, प्रदर्शित करने, समझाने और जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा जारी नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2021 में गुजरात पहले स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी नेशनल लेजिस्ट्रेटिक इंडेक्स 2021 में गुजरात पहले स्थान पर रहा है। यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लेजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेतक है। इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों में लेजिस्ट्रेटिक संबंधी प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को समय पर फायदा पहुंचाना है। इस योजना के तहत 700 से 800 श्रमिक मित्रों को तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प गुप्ता हाल ही में देश के सबसे तेज कौन से वे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 71 वे। 10 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परिवहन दिवस। 10 नवंबर को पूरे भारत में परिवहन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर लोगों को यातायात के नियमों तथा दुर्घटनाओं को कम करने के बारे में जागरूक किया जाता है। साथ ही परिवहन के साधनों में हो रहे दिन प्रतिदिन सुधार तथा विस्तार के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खोजी गई इंटी टेनिंजर जो की थियोपीडे के बड़े परिवार से संबंधित है, वह किसकी प्रजाति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पक्षी की प्रजाति। हाल ही में खोजी गई इंटी टेनिंजर जो कि थियोपीडे के बड़े परिवार से संबंधित है, वह पक्षी की प्रजाति है। इस थियोपीडे परिवार में 370 से अधिक गीत पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। यह पक्षी लगभग पूरी तरह से अमेरिकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक ही सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे भारत में वैज्ञानिक संस्थानों के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17 वैज्ञानिकों को। पूरे भारत के वैज्ञानिक संस्थानों के 17 वैज्ञानिकों को उनके नवोन्मेषी अनुसंधान संबंधी विचारों और विभिन्न विषयों में अनुसंधान एवं विकास को प्रभावी बनाने के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है। इन वैज्ञानिकों को अनुसंधान योजना में अनुमोदित व्यय के संदर्भ में स्वतंत्रता व लचीलेपन के साथ स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य जारी रखने की अनुमति होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।